नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित तो अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस देशर झियंक पाई खुशी खबर एवं झियो माने दे परिबे एनडीए परीक्षा सुप्रीम कोर्ट रु मिलिला सबुज संकेत दुई जणिया खंडपीठ सुनाइले राय पाकिस्तान रे महाराजा रणजीत सिंह को प्रतिमूर्ति उपरे आक्रमण को नहीं देश में विरोध नुआदिल्ली में पाकिस्तान दूतावास खेलें बीजेपी एवं सिख संगठन अल्प संख्यकों ऊपर अत्याचार को कदापि बरदास्त करा देशर अन्य स्थान में भी तेजिला विरोध स्वर महंगा पड़ा सांसदों तालिबान गुणगान समाजवादी पार्टी सांसद शफिकुर रहमान तालिबान को प्रशंसा कर बिवाद विरोध परे कड़ा पदक्षेप ग्रहण कले योगी सरकार रहमान का विरोध में लगला राजद्रोहर धारा आसंता 20 तारीख में भुवनेश्वर में लोकार्पित हो आईओसीएल स्थायी कैंपस लोकार्पण उत्सव में जोगदेवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक केंद्र ने 10 वर्ष मध्य 50,000 विद्यार्थियों को तालीम देवा को रखा जाए लक्ष्य राज्य में संपूर्ण सरनी द्वितीय लहर आकलन कहुचे आसिबो तृतीय लहर पिलांक संक्रमण आशंका कम किंतु शून्य नुहे स्कूल और घरे संक्रमण रोकिबा को अभिभावक और शिक्षकों को सतर्क कराइले डीएमटी एवं राज्य में आहरी 24 घंटा वर्षा संभावना 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग केन्द्र सेपटे वर्तमान सुधा स्वाभाविक ठार 28% कम वर्षा रेकर्ड 23 जिले में नियंटिया वर्षा देखो संपूर्ण खबर एवं झियो माने दे परिबे नेशनल डिफेंस एकेडमी बा एनडीए परीक्षा एथिपई मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को तरफ मिली सबुज संकेत जन आईनजीवी ए संक्रांत में सुप्रीम कोर्ट रे पिटीशन दाखल करते जहाँ दुईज खंडपीठ विचार कर राय देखते या सहित तो मान्यवर खंडपीठ भारतीय स्थलसेना को मध्य मृदु समालोचना कर महिला मानू एनडीए परीक्षा में अंशग्रहण करने को नदे स्थलसेना लिंग भेद को प्रोत्साहन दे सांविधानिक भाव में न्यायसंगत नुहे तेणु एणिकी महिला मानू परीक्षा देवाई अनुमति मिलवा उचित ऐतिहासिक फैसला इसलिए है कि जब से एनडीए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापन हुए तब आज तक वुमेन्स को गर्ल्स को एग्जाम देने में उनमें इक्वली पार्टिसिपेट करने के लिए बॉयज के बराबर नहीं देते थे लेकिन ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से दो वुमेन जिन्होंने फॉर्म भरा है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंड एनडीए एनडीए की एग्जाम 5 सितंबर को है उनको अलाउ कर दिया है कि एनडीए के एग्जाम में वो बैठ सकते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की एग्जाम 28 को है 28 अगस्त तो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको अलाउ कर दिया है योगी शासन रे तालिबान समर्थन रे वक्तव्य देवा रहमान को पड़ा महंगा प्रथमे वंदे मातरम को विरोध करिबा एवं पर एभली एक खबर जहाँ सामना को आसी केउठीना केउठी विरोध एवं तालिबान भूयसी प्रशंसा समाजवादी पार्टी सांसद शफिकुर रहमान तालिबान को कले प्रशंसा और तांको विरोध में राजद्रोह मामला रुजू करी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रथमे वंदे मातरम को विरोध जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम वी कैन नॉट फॉलो इट एबे तालिबान न भयसी प्रशंसा अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पांव नहीं जमने दिए रशिया के नहीं जमने दिए जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते अपने तौर पर चलाना चाहते
समाजवादी पार्टी सांसद सफिकुर रहमान तालिबान को कले प्रशंसा हेले जोगी शासन रे तालिबान समर्थन रे वक्तव्य देवा रहमान को पड़ा महंगा राजद्रोह मामला रुजुकला उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्व वंदे मातरम गायबा को विरोध कर चर्चा रे थिले रहमान अफगानिस्तान रे तालिबान मध्य जुगीय बर्बरता आरंभ कर देथिबा बेले भारतर किछि लोक खोलाखोली भावे तालिबान रो समर्थन रे बाहरुथिबा देखिबा को मिलिछि तालिबान रो विवश कृत्य मानवीकता को लज्जित करथिबा बेले भारत रे तांकर समर्थक माने खोलाखोली भावे तालिबान रो प्रशंसा गान रे लागिछन्ति एमानक मधेरे राजनैतिक नेता मध्य अछन्ति एपरि जने नेता हेले उत्तर प्रदेश रो समाजवादी पार्टी रो सांसद सफिकुर रहमान रहमान तालिबान रो समर्थन करबा को जाय सब सीमा सरहद डेई जायछन्ति से तालिबान रो समर्थन रे बाहरी ओ प्रशंसा करबा को जाय सेमानक स्वाधीनता संग्रामी मानक स तुलना करथिले तांकर ही वक्तव्य पर तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइथिला तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान पई विभिन्न महलर दाबी होइथिला तबे उत्तर प्रदेश रो संबल पुलिस तांकर ही वक्तव्य पई राजद्रोह मामला रुजु करिछि संबल जिला रो एसपी कहउछंती जे रहमान को विरुद्ध रे अभिजोग मिलिला पारे आईपीसी रो धारा 124 ए अनुसार मामला रुजु होइछि एठारे उल्लेख करा जाई पारे जे सफिकुर रहमान संबल लु सांसद अछंती सफिकुर रहमान को पई विवाद नुआ नुहे से वंदे मातरम को विरोध करि आछंती क्योंकि जिस तरह के बयान तालिबानियों को लेकर आए हैं तालिबान के आतंक को लेकर आए हैं जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में जुल्म कर रहा है महिलाओं पर बच्चों पर वहां के आम जन पर इसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है कि आज मानवता को यह देखना पड़ रहा है ये दिन आ गया है कि तलवार और गोली और बम के नाते आप कहीं पर भी आतंक करके सत्ता हासिल करेंगे तो ये विचारधारा समाजवादी पार्टी की हो सकती है ये विचारधारा कांग्रेस की हो सकती है 2019 मसिहार से लोकसभा सदस्य भाव शपथ नेबापर कहते वंदे मातरम इस्लामी विरोधी तेणु मुसलमान मैंने वंदे मातरम गायबा अनुचित या पूर्व से लोकसभा वंदे मातरम गायन होता बेले गृहर बाहरी आसी यार अपमान करते तेज चलित थर उत्तर प्रदेश पुलिस विरोध में मामला रुजु करो रिपोर्ट अर्गस न्यूज नुआदिल्ली रे पाकिस्तान दूतावास घेरिले बीजेपी एवं सिख संगठन पाकिस्तान रे हिंदू मंदिर सिख मानकर गुरुद्वार उपरे आक्रमण को निंदा करा जाइछे पाकिस्तान रे निकटरे महाराजा रंजीत सिंह को प्रतिमूर्ति उपरे आक्रमण को नहीं नुआदिल्ली बीजेपी एवं सिख संगठन पक्षर विरोध करा जाइछे पाकिस्तान दूतावास घेरिबा को नहीं सेमाने आज राजरास्ता कोल्हाइछन्ती एही विरोध प्रदर्शन द्वारा पूरा विश्व को भारत संदेश देवा को चाहूछि जेउठी भी हिंदू सिख हिंदू शिख जैन अल्पसंख्यकों ऊपर आक्रमण को आम के बर्दाश्त करू ना कोड़े वर्ष पर अफगानिस्तान रे तालिबान रे एंट्री यार प्रभाव पूरा विश्व उपर पड़ पाकिस्तान और भारत भिन्न भिन्न कारण प्रभावित तो हो पारे यूरोपय और आमेरिका पर देश अधिक सतर्क रे सेपटे देश में अफिम और ड्रग्स माफियां तैयारी हो पारे एक सहज और सुरक्षित स्थान एसबू आशंका और प्रश्न को नहीं निज मत रखिंट भारत विशेषज्ञ देखते रिपोर्ट अफगानिस्तान तालिबानी राज विश्वागरे प्रश्न तालिबान शासन कौन प्रभाव अफगानिस्तान कौन अन्य देश उपरे की प्रभाव पड़े भारत हो पारे चिंतित विशेषज्ञ दे बड़ चेतावनी अनेक देश पड़े तालिबानी राज्र प्रभाव बढ़ ड्रग्स कारबार सक्रिय हे आतंकी एवं खुशी होता पाकिस्तान भी पाने पाइब अफगानिस्तान रे तालिबानी रिटर्न्स पर चिंतार भारत समेत विभिन्न देश कारण तालिबान शासन पर अफगानिस्तान रे अधिक सक्रिय हे आतंकवादी आतंकी संगठन माने बिना डर और भयरे कैंप को ऑपरेट करी पारिबे एही मामलारे विशेषज्ञ तथा जम्मू काश्मीर पूर्वतन डीजीपी एसपी बैद्य जातीय गणमाध्यम को साक्षात्कार दे अनेक प्रसंग उठाई से कहिछंती अफगानिस्तान रे आगकु बढ़िब आतंकवादी गतिविधि विश्वर अनेक देश में हो पारे आतंकवादी हमला बढ़िब ड्रग्स चोरा कारबार तालिबान पावर को आसिबा परे सारा विश्व रे ड्रग्स कला साम्राज्य अधिक मजबूत हेबो कारण तालिबान रो आयर मुख्य आधार होची अफिम चाष जम्मू काश्मीर बढ़िपे आतंकवादी कार्यकलाप घाटी सक्रिय थिबा लश्करे तैयबा जैश मोहम्मद आतंकी संगठन
तालिबान सह मिसी काम करुछंती। पाकिस्तान गुइंदा एजेंसी एही संगठन गुड़िकर 10,000 आतंकवादी को तालिबान रो सहायता करबा को पठाई थिला। आंतर्जातिक चाप एफटीएफ रो ग्रे तालिकारु बाहरिबा को पाकिस्तान करुछि प्रयास। एभली स्थिति रे पाक अधिकृत कश्मीर रे आतंकवादी क्याम्प चलाइबा कठिन होतिला। एबे अफगानिस्तान रे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन गुड़िक बिना रोकठोक्रे क्याम्प चलाइ पारिबे। तबे बैदंक अनुसार भारतीय सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बलों पाखे से सामर्थ्य रही कौन सी चैलेंज रो सामना करी पारिबे। अमेरिका और यूरोपीय देशों पर पड़े प्रभाव। तालिबान शासन काल में 9/11 भली द्वितीय आक्रमण ब्लू प्रिंट अफगानिस्तान हो पारे। पाकिस्तान भी बर्तवनी तालिबान सह निजर योजना सफल हो खुशी पाकिस्तान, किंतु पाकिस्तान को आगक भी लगिपे बड़ झटका। अफगानिस्तान में सरी आईन लागू पर पाकिस्तान आईन लागू करने दावी हेबो जहां पाकिस्तान को स्थिर करिपे। सेपटे अफगान भूमि को भारत विरोधी कार्यकलाप तालिबान फंडिंग करिपे ड्रैगन। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ताकत देखेबा को तालिबान तैयार, अफगान रे सरकार गठन करने को तप्तर, अफगानिस्तान दखल करिथिबा तालिबान रो असल चेहरा धीरे धीरे पदा को आसीबार लागिछे। तालिबान रो आतंक बढ़िबा परे बे देश रे विरोध रो चित्र मध्ये सामना को आसीछे। सेबडे हक्कानी नेटवर्क अफगान रो पूर्वतन राष्ट्रपति और तालिबान मुख्य बसी सरकार गठन नै करुछंती घन घन आलोचना। ताकत देखेबा को तालिबान तैयार, अफगान ने सरकार गठन करने को तत्पर, अफगानिस्तान दखल कर तालिबान असल चेहरा धीरे धीरे पदा को आसवर लगी। तालिबान संगठन सदस्य माने सरकारी ऑफिस रे देशर जातीय पताका लगाइबा दाबी रे विक्षोभ करुवा लोकों ऊपर आखिबुजा गुलीमार करपरी। सिएट मिलिशिया नेता अब्दुल अली मजारी प्रतिमूर्ति को भांगी देती। मजारी 1990 तालिबान विरोध में युद्ध आरंभ करते, किंतु 1996 तालिबानी मैंने अफगान ने क्षमता दाखल करने अपहरण कर अत्यंत नृशंस भाव हत्या करते। हजार संख्यालघु संप्रदायर मजारी को हत्या करने तालिबानी मैंने हेलिकप्टर तलकू फोपाड़ी देते, किंतु तालिबान शासन अंत पर प्रतिमूर्ति बामायन प्रदेश में तैयारी। तेरे उक्त अंचल को तालिबान दाखल कर कारण से मजारी प्रतिमूर्ति को भांगी दि जाता। सहित एवं तालिबान निजर सरकार गठन दिगरे तत्पर हो सरकार गठन पर कौन सब पदक्षेप निमि सबकिर व्यवस्था हो विषय में हक्कानी पूर्वतन राष्ट्रपति कारजाई कथबार्ता कर। हक्कानी कारजाई और तालिबान किसी सदस्य आलोचना करुवा बेलर फटो सामना को आपटे। अफगानिस्तान कब्जा पर तालिबानी निज छवि सुधार उद्यम कर सरकारी कर्मचारी विश्वास अफिस् आसवाक तालिबान, किंतु तालिबान कथा कोई सहजे विश्वास करना। तालिबान विरोध में राजरास्ता को ओल्ल आस महिला काबुल्ले चारिज महिला कला पोशाक पिंधि तालिबान विरोध में विरोध प्रदर्शन करफगानिस्तान में तालिबान विरोध में एभली प्रदर्शन प्रथम बोली कह। तेब द्वंद्व भितर अफगानिस्तान भविष्य आगक कौन होता सारा विश्वर नजर। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पॉजिटिव भारत समय एक ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत। 2027 मसीहा बेलू भारत को मिलपे प्रथम महिला सुप्रीमकोर्ट मुख्य विचारपति। वर्तमान मुख्य विचारपति एन भी रमना नेतृत्व में गठित कलेजियम सुप्रीमकोर्टर विचारपति पदवी पर 9 जन ना केन्द्र सरकार को सुपारिश करनिज महिला विचारपति नाम रही। से तीन जन रही कर्णाटक हाइकोर्टर वरिष्ठ महिला विचारपति वि नागरत्ना। वरिष्ठता भितर तक पदोन्नति हेले से 2027 बेलू भारत प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट विचारपति हो पारती जस्टिस नागरत्ना बापा ईएस भेंकट रमैया सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति रही सारी। आग को झील मुख्य विचारपति हेले निश्चय एक विरल घटना हो पाए, तेरे यह केवल एक अनुमान बोली मत दे वर्तमान मुख्य विचारपति एन भी रमन्ना। सीबीआई बा केंद्रीय तदंत ब्यूरो देशर निर्वाचन कमिशन भली एक स्वयंशासित संस्था होगा उचित। यह सीधासलख प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करवा उचित बोली मत देती मान्यवर माड्रास हाइकोर्ट। एक बड़ आर्थिक ठकामी घटनार शुणी बेले माड्रास हाइकोर्टर मदुराई बेंच यहपरी एक प्रस्ताव रखिंट। जस्टिस एनकिरु बाकरन
एवं जस्टिस पी पुगेलधी खंडपीठ कहते निर्वाचन आयोग भली सीबीआई मध्य स्वाधीन भाव में परिचालित होगा उचित देशर आर्थिक बजेट्रे प्रतिवर्ष सीबीआई आवश्यक होता अर्थ आवंटित होगा उचित ए बाबदे केन्द्र सरकार चिंता करने सहित तो यह संस्था को किपर स्वयंशासित करहब से आवश्यक आईन प्रणयन करने उचित बोली प्रस्ताव देखते खंडपीठ या सहित तो आमेरिकार फेडराल ब्यूरो एवं युकेर स्कटलैंड यार्ड पड़ सीबीआई को आहरी अत्याधुनिक करुत्व केन्द्रीय संस्था विभाग दायित्व मंत्री कि प्रधानमंत्री को सीधासख रिपोर्ट करने को प्रस्ताव देखते माड्रास हाइकोर्टर मदुराई बेंच ग्लोबल हेल्थ केयर एक प्रजुक्ति और प्रोसेस सहायक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठा यह देश में और विभिन्न राज्य में टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा जोगाई आसुचे यह लोकमानक निकटे हेलो लाइफ संस्था भाव कार्य करे घरे हेउबा ऑफिस रे जे जेउठी जेउ मुहूर्त रे फोन करे डाक्टर माने कथा होंथे प्राथमिक परामर्श देवा सहित आवश्यक स्थले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम ने मध्य डाक्टर माने रोगी सहित आलोचना करती 2017 रु भारत विभिन्न स्थान में यह संस्था लोकमानक सहायता जोगाउछे The government has got certain challenges here because of the center's current infrastructure and other things. They are sorting it out very well. So once that sort out is done, our centers will increase in Odisha. So as far as Odisha is concerned, this is it. Other than that, we are also present in other states. We are there in Madhya Pradesh. Around 550 centers have been contracted to us. We have also put up 100 centers in Rajasthan. We have a few centers in Bihar, Jharkhand and West Bengal. We are also present in 12 other countries other than India. गत 24 घंटा रे राज्य रे 993 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट समानक मधुर 138 जन किशोर अछन्ते संगरोध रु 578 जन ओ स्थानीय संक्रमण रु 415 जन चिन्हट होछन्ते राज्य रे मोट कोरोना आक्रांतक संख्या 997146 रे पहुंचिछि खोर्धा जिला रु सर्वाधिक 419 कटक रु 95 जाजपुर रु 60 जगतसिंहपुर 51 मयूरभंज रु 42 जन आक्रांत चिन्हट होछन्ते सेपटे राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु पुणी 65 जीवन नहीं महामारी मृतकों मध्य कटकु 15 जगतसिंहपुर 11 केन्द्रापड़ 9 ढेंकानाल 7 अनुगुल बालेश्वर 5 लेखाएं भद्रक मयूरभंज 3 लेखाएं पुरी 2 जन मृत्यु हो मोट मृत्यु संख्या 7086 पहुंची राज्य में कोरोना स्थित उन्नति आसी किंतु द्वितीय लहर संपूर्ण शेष होने अनेक आकलन करिछन्ति तृतीय लहर आसीब तहार मुकाबला बड़ चिंताजनक किंतु लोकमाने कोविड नियम पालन कले संभाव्य तृतीय लहर को रोका जाय पारिबो बोली डीएमईटी कहिछन्ति सेपरि जन्मरु 18 वर्ष मध्ये पिलांक संक्रमण रोकिबा को अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्रुं को सतर्क रहबा को पड़िबो कारण सेमाने संक्रमित हेले शिशु आक्रांत हेबे शिशुंक ठारे सिवियरिटी कम रहुछि अनेक लक्षणहीन रहुछन्ति स्वल्प लक्षण देखा जाउछे हॉस्पिटलाइजेशन कम रहुछे आईसीयू आवश्यकता कम रहुछे तेणु संक्रमण आशंका कम किंतु सुडन नुहे सेरो सर्वे रिपोर्ट कहुछे पिलामाने भी संक्रमित होउछन्ति तांक शरीर भितर को भी भूताणु जाउछे सेमानकर भी एंटीबॉडी सृष्टि होउछे बोली कहिछन्ति डीएमईटी सीबीके महंती एटा निश्चित सत्य जे माने द्वितीय लहर रे बर्तमान रोगी संख्या आस्ते आस्ते कमी आसुच्छी आपण मैंने जानते हैं गत काले भी आम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी भी कही विगत पांच मास मध्य 17 तारीख में सर्वनिम्न थिला तेणु से दृष्टि आम निश्चित भाव कहे आम परिस्थित किसी परिमाण उन्नति होता अर्थ नुहजे द्वितीय लहरीटा संपूर्ण भाव में चलीगला द्वितीय लहरीटा भी देशर किसी राज्य भी चली आम राज्य भी जदिओ चली बर्तमान संख्या आप जानते 700-800 भितर प्राय रोच तेणु से दृष्टि देखा गले आम टी आश्वस्त हवा कितु अस्वस्तिकर खबर है संभाव्य तृतीय लहरी जदि बहुत लोग आकलन करतीय लहरी आसीपे जदि भी आसो आम ताकूमी मुकबिला करवा आम तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम आरंभ कलु लोक मान सचेतन करूँ विभिन्न हॉस्पिटल बेड संख्या बढ़ेलु सब कलु से सब दृष्टि आम मैंने प्रस्तुत अच्छे किंतु वर्तमान मुख्य कथा हूँ लोक मैंने कोविड नियमावली पालन करवा
ସେପଟେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସେରୋ ସର୍ଭେ କେବଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି ନୁହେଁ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜ୍ୟର କେତେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଏହା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସେରୋ ସର୍ଭେରେ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ 0-10 ବର୍ଷ ବୟସର 3.5% ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲେ, 10-18 ବର୍ଷର 8-8.5% ପିଲା ପଜିଟିଭ ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ ଡେଲ୍ଟାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 12% ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ତୃତୀୟ ଲହରେ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣର ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେରୋ ସର୍ଭେ କେବଳ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହିବେ। ଏଇଟା ରାଣ୍ଡମାଇଜେସନ୍ କରି କରାଯିବ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହିବେ, ତେଣୁ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପିଲା ବି ତା ଦେହରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଭରେଜ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସେରୋ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାହେବ। ନାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅରବାନ ସବୁ କହିବା ରାଣ୍ଡମାଇଜେସନ୍ କରାଯାଏ, ସେ ରାଣ୍ଡମ୍ ପିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠୁ ନେଇକି କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସରତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କରୋନା ପରିବାରର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିସନ, ରିଆଡମିସନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏବିଭିପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ରଖିଛି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ମାନେ ଗତକାଲି ମାନେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି GST ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ 18% GST ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ନିଜର ରିଆଡମିସନ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ରିଆଡମିସନ୍ ଫି ସହିତ କେମିତି ଜଣେ 18% ମାନେ ଗୋଟେ କଲେଜ 18% ଦେବ, ତେଣୁ 18% ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଦେଉଛି ଫି ଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଦେବ, ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଫି ଡବଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ରୁଚି ପଜିଟିଭ ଭାରତକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।